दोस्तों आईपीएल 2021 की ऑक्शन की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। सभी टीमों को 21 जनवरी से पहले रिटेन और रिलीज लिस्ट बीसीसीआई को सबमिट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको बता दूं, सभी टीमों का रिलीज लिस्ट फाइनल हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे पेपर वर्क के कारण किसी भी टीम ने अभी तक फाइनल रिलीज लिस्ट घोषित नहीं किया है। पर 3 से 4 दिनों के अंदर ही हम लोगों को सभी टीमों का कॉन्फर्म रिटेन और रिलीज लिस्ट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों क्योंकि आईपीएल 2021 से पहले मिनी ऑक्शन होने वाला है, तो पर्स मनी रिलीज लिस्ट प्लेयर के ऊपर काफी निर्भर करने वाला है, क्योंकि पिछले साल के बचे हुए पैसों के साथ इस साल रिलीज प्लेयर्स की सैलरी को जोड़कर करंट पर्स मनी कैलकुलेट किया जाएगा। तो मैं इस वीडियो में आईपीएल 2021 से पहले सभी टीमों की करंट पर्स मनी के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप आईपीएल के फैन हैं तो इस वीडियो को अभी एक लाइक के साथ अंत तक जरूर देखिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए, ताकि एक भी वीडियो सब मिस ना कर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं, मिनी ऑक्शन होने पर कुछ टीमों को हुआ बहुत ही ज्यादा फायदा और कुछ टीमों को नुकसान। आईपीएल 2020 के बाद कुछ टीमें पूरी तरीके से टूट चुकी है, एक नया शुरुआत टीम को सख्त जरूरत थी, लेकिन मिनी ऑक्शन होने पर ऐसा नहीं होने वाला है। तो आईपीएल 2020 के बाद सभी टीमों के पास कुछ न कुछ पैसा बचा हुआ है, उसी पैसों के साथ इस साल रिलीज प्लेयर्स की सैलरी को जोड़कर जो पैसा बचेगा उसी पैसों के मदद से आईपीएल 2021 की नीलामी में से प्लेयर्स खरीदना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करें सीएसके टीम के बारे में, तो दोस्तों आईपीएल 2021 की मिनी ऑक्शन पर सबसे ज्यादा समस्या इसी टीम को होने वाली है। आईपीएल 2020 के बाद सीएसके टीम के पास सिर्फ 15 लाख रुपए बचा हुआ है और टीम भी पूरी तरीके से टूट चुकी है। तो सीएसके इस साल केदार यादव, इमरान ताहिर, शेन वाटसन, एन जगदीशन, मुरली विजय, हरभजन सिंह, मनु कुमार जैसे काफी बड़े बड़े प्लेयर्स को रिलीज करने वाली है, और इन प्लेयर्स की सैलरी मिलाकर बन रहा है सिर्फ 17 करोड़ के आसपास। तो सीएसके टीम को और भी कुछ बड़े प्लेयर्स को रिलीज करना पड़ेगा और कम से कम 25 से 30 करोड़ लेकर नीलामी में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करें मुंबई इंडियंस टीम के बारे में, तो मिनी ऑक्शन होने पर सबसे ज्यादा फायदा इसी टीम को होने वाली है। आईपीएल 2020 के नीलामी के बाद 1.95 करोड़ रुपए टीम के पास ऑलरेडी मौजूद है। काफी बैलेंस टीम है, ज्यादा प्लेयर्स को रिलीज नहीं करेगी। सौरभ तिवारी, धवल कुलकर्णी, मिचेल मैकलेनगन, क्रिस लिन, दिग्विजय देशमुख, आदित्य तारे जैसे प्लेयर्स को रिलीज करने वाली है, जिनका सैलरी मिलाकर बन रहा है करीब 4 करोड़ के आसपास। तो मुंबई की टीम आईपीएल 2021 की नीलामी में 5 से 6 करोड़ लेकर जाने वाली है। नेक्स्ट बात करें आरसीबी टीम के बारे में, तो आरसीबी टीम के पास पिछले साल की नीलामी के बाद 6.40 करोड़ रुपए बचा हुआ है। आरसीबी इस साल डेल स्टेन, उमेश यादव, एरोन फिंच, मोइन अली, पार्थिव पटेल, केन रिचर्डसन जैसे प्लेयर्स को कॉन्फर्म रूप से छोड़ने वाली है। तो इन प्लेयर्स का सैलरी मिलाकर करीब 14 करोड़ के आसपास बन रहा है। तो 14 करोड़ प्लस 6.40 करोड़ यानी कि करीब 20.40 करोड़ रुपए लेकर आरसीबी नीलामी में हिस्सा लेने वाली है। उसके बाद बात करें केकेआर टीम के बारे में, तो आईपीएल 2020 की नीलामी के बाद केकेआर टीम के पास 8.5 करोड़ रुपए बचा हुआ है। केकेआर सिद्धेश्वर, रिंकू सिंह, क्रिस ग्रीन, टॉम बेंटन, संदीप वारियर, दिनेश कार्तिक, कुलदीप यादव जैसे और भी काफी सारे प्लेयर्स हैं जिनको इस साल छोड़ने वाली है। तो अगर केकेआर इन सभी प्लेयर्स को रिलीज करती है तो इन प्लेयर्स की सैलरी मिलाकर बन रहा है करीब 16.5 करोड़ के आसपास। तो 16.50 करोड़ प्लस 8.5 करोड़ यानी कि करीब 25 करोड़ रुपए के आसपास पैसा लेकर केकेआर नीलामी में हिस्सा लेने वाली है। नेक्स्ट बात करें किंग्स इलेवन पंजाब टीम के बारे में, तो पंजाब टीम के पास 2020 की नीलामी के बाद 16.5 करोड़ रुपए बचा हुआ है। काफी बड़ा एक रकम है। पंजाब इस साल ग्लेन मैक्सवेल, सेल्डन कॉटरेल, मुजीबुर रहमान, सरफराज खान, करुण नायर, हरदास बेलजोन, पी सिंह जैसे कुछ बड़े प्लेयर्स को रिलीज कर देगी। तो इन प्लेयर्स की सैलरी मिलाकर बन रहा है करीब 24 करोड़ रुपए। तो 16.5 करोड़ प्लस 24 करोड़ यानी कि करीब 40.50 करोड़ रुपए लेकर पंजाब नीलामी में हिस्सा लेने वाली है। नेक्स्ट बात करें एसआरएच टीम के बारे में, तो एसआरएच की टीम भी इस साल ज्यादा प्लेयर्स रिलीज नहीं करेगी। पिछले साल की नीलामी के बाद टीम के पास 10.10 करोड़ रुपए बचा हुआ है। एसआरएच की टीम बिली स्टैनले, मिचेल मार्स, सिद्धार्थ कौल, संजय यादव, शिवर्ट गोस्वामी, बवंका संदीप जैसे प्लेयर्स को रिलीज कर देगी। तो एसआरएच की टीम करीब 16 से 15 करोड़ लेकर नीलामी में हिस्सा लेने वाली है और कुछ बैकअप प्लेयर्स खरीदेगी। उसके बाद बात करें राजस्थान टीम के बारे में, तो राजस्थान टीम के पास 2020 की नीलामी के बाद 14.75 करोड़ रुपए बचा हुआ है। राजस्थान की टीम इस साल श्रेयस गोपाल, वरुण एरन, आकाश सिंह, अनुज रावत, महिपल लमरो, जयंत यादव, रॉबिन उत्थापा, एंड्रू टाय और स्टीव स्मिथ जैसे प्लेयर्स को रिलीज कर देगी। तो इन प्लेयर्स की सैलरी मिलाकर बन रहा है करीब 20 करोड़ के आसपास। तो 20 करोड़ प्लस 14.75 करोड़ यानी कि 34.75 करोड़ रुपए लेकर राजस्थान की टीम आईपीएल 2021 की नीलामी में हिस्सा लेने वाली है। और आखिर में बात करें दिल्ली कैपिटल्स टीम के बारे में, तो दिल्ली के पास 9 करोड़ रुपए बचा हुआ है।
दिल्ली बहुत ही कम प्लेयर्स को हिस्सा रिलीज करेगी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स की टीम ईशांत शर्मा, अमित मिश्रा, डेनियल सैम, अभेश खान, एलेक्स कैरी, मोहित शर्मा और केमो पॉल जैसे प्लेयर्स को रिलीज करेगी, जिनका सैलरी मिलाकर बन रहा है करीब 18 करोड़ के आसपास। तो 9 करोड़ प्लस 18 करोड़ यानी कि करीब 27 करोड़ के आसपास रुपए लेकर दिल्ली की टीम नीलामी में हिस्सा लेने वाली है। तो दोस्तों, यह था सभी टीमों की आईपीएल 2021 की नीलामी से पहले बचा हुआ पर्स मनी। आप नीचे आपका फेवरेट टीम कौन सा है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।